हेलो दोस्तों, तो दोस्तों कैसे हो आप सब। टाटा की तरफ से बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है और ये कोई फेक नहीं है कि टाटा में निकली भर्तियां आज ही करें अप्लाई। जी हाँ, यहाँ एलिजिबल क्राइटेरिया जो है वो है आईटीआई, डिप्लोमा, बीटेक और एनी ग्रेजुएट वाले एलिजिबल है। ग्रेजुएशन में आपने बीए से लेके बीकॉम, बीएससी, बीबीए जो भी कर रखा है आप सभी एलिजिबल हैं। दोस्तों ये जो रिक्रूटमेंट है ये टाटा ग्रुप की तरफ से है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि टाटा ग्रुप के अंडर जो है सब्सिडरीज कंपनीज होती है, 95 सब्सिडरीज कंपनीज है टाटा के अंडर। कौन कौन सी है, जैसे कि मेन कंपनियों का नाम बता देता हूँ। TCS है, टाटा पावर है, TPL बोलते हैं जिसको, TSL बोलते हैं, टाटा स्टील लिमिटेड है, TEC है या TEC, ऐसे ही करके टोटल है टाटा के अंदर 95 सब्सिडरीज। अब तो शायद 100 से ऊपर हो गई है क्योंकि अब एयर इंडिया, एयर एशिया और विस्तारा वगैरह सभी टाटा के अंडर आ चुकी हैं। इनडायरेक्टली आज की रिक्रूटमेंट बहुत ही अच्छी है और जो रिक्रूटमेंट है यहाँ जो एलिजिबल होने वाले हैं सभी के बारे में बता ही दिया है। बस आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा, कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर मेंशन जरूर करते जाइएगा और नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको किस ब्रांच से रिलेटेड चाहिए जरूर बता दीजिएगा। इसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर सारे लिंक्स मिलते हैं आपको, टेलीग्राम चैनल पर अर्जेंट जॉब अपडेट भी मिलती है, वहाँ जरूर फॉलो कर लें। तो दोस्तों शुरू करते हैं जॉब अपडेट के बारे में। दोस्तों ये जो जॉब अपडेट आई है आई है टाटा केमिकल्स की तरफ से, टाटा TCL की तरफ से, मतलब TCL टाटा केमिकल लिमिटेड की तरफ से। यहां फ्रेशर्स वाले और एक्सपीरियंस वाले दोनों ही एलिजिबल हैं। डिप्लोमा, ITI, एनी ग्रेजुएट और फ्रेशर या फिर कोई भी एलिजिबल है यहां। इसके साथ साथ टाटा कैरियर के हम ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। जैसे ही हम यहाँ पहुँचे हैं तो अब आपको दिखेगा कुछ इस तरीके की ऑप्शन। वैसे ये जो वर्क करता है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में वर्क करता है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ में करता है और यूरोप में वर्क करता है। देखिए, अगर आपको आउट ऑफ इंडिया जाने का कुछ ज़्यादा है कि आउट ऑफ इंडिया हमें वर्क करना है, अच्छी अर्न करना है, अच्छी इनकम चाहिए, तो इसमें ज़रूर अप्लाई करें। टाटा केमिकल्स की तरफ से 90% अपॉर्चुनिटीज़ आउट ऑफ इंडिया जाने की मिल सकती हैं। यहाँ इंटरव्यू क्वेश्चंस भी हैं जो आपसे इंटरव्यू के लिए पूछे जाएंगे, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन जब आपका रिप्लाई आ जाए तभी आप मेरे से इंटरव्यू के पूछेगा। दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां फ्रेशर से लेकर एक्सपीरियंस सभी के लिए वैकेंसी निकली हुई है। अब बहुत बंदों को क्वेरी रहती है 90% की, यार हमें जो है जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग वैकेंसी चाहिए। तो मैं जो आपको वैकेंसी दिखाऊंगा इसमें जूनियर इंजीनियर से लेकर सभी एलिजिबल होंगे, कोई सोचने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ ट्रेनीज वाले भी एलिजिबल है। देखिए, टेक्नीशियन ट्रेनी के साथ साथ यहाँ और भी बहुत सारी इंजीनियर, वैक्यूम, डेप्यूटी मैनेजर, बहुत सारी वैकेंसीज एलिजिबिलिटी हैं। तो आप अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा, आज ही आपको ये वैकेंसी मिलेगी। असिस्टेंट इंजीनियर और पावर प्लांट सेक्शन में तो बम्पर अपॉर्चुनिटी इनकी निकल के आ रही है जो पावर प्लांट सेक्टर में वर्क करने वाले हैं। जैसे जो कोई टाटा पावर में जाना चाहता है तो इनके थ्रू भी आप यहां से जा सकते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट इंजीनियर पावर प्लांट सेक्टर में, पावर डिवीजन में भी इनकी वैकेंसीज बहुत सारी हैं। तो दोस्तों ये वैकेंसी आपको स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। अगर बात कर लेते हैं मैनेजर, देखिए कुछ वैकेंसीज होती है जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो समझ ही जाएंगे। सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर इंजीनियर, ये वैकेंसी जो चारों आपने देखी, कौन कौन सी, सीनियर मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर इंजीनियर, ये चारों वैकेंसी मैक्सिमम एक्सपीरियंस वालों के लिए होती है। या तो आप गेट क्वालिफाई करके जाएं तभी आप फ्रेशर में क्वालिफाई दिखाएंगे, अदरवाइज आप जो है एक्सपीरियंस वाले ही इन चारों वैकेंसी का भरें। तो इसके अलावा जो वैकेंसी हैं उनमें आप अप्लाई करें, लाइक जैसे इंजीनियर की होगी, असिस्टेंट ऑफिसर की होगी, असिस्टेंट ऑफिसर की होगी सीमेंट प्लांट में। अब आप बोलेंगे एसोसिएट ऑफिसर 3 दे रखी है, लेकिन अलग अलग, देखिए डिपार्टमेंट अलग है, वैक्यूम एंड प्योर सॉल्ट, उसके यहां आ गया सीमेंट। इसके साथ साथ इनमें वर्क कल्चर भी अलग रहेगा, डिपार्टमेंट भी अलग रहेगा। अब मैं सबसे पहला जो इंजीनियर के लिए वैकेंसी आपको दिखाने जा रहा हूं, इन्होंने इसमें क्या बोला है। दोस्तों इन्होंने बोला है डिप्लोमा इन केमिकल विद 60% मार्क्स। अब 4 to 6 ईयर्स एक्सपीरियंस इन्होंने साफ बता दिया है इंजीनियर्स के लिए। अब और वैकेंसी की बात कर लेते हैं, जैसे कि आपको असोसिएट ऑफिसर दिखा, ये पोस्ट कब हुआ है, जी ये पोस्ट हुआ है 3/5 तक और इसकी लास्ट डेट क्या है 1/8/2023। अब आप बोलेंगे क्या हमें इतने दिन रुकना पड़ेगा, जी नहीं, आपको इतने दिन नहीं रुकना है। ये क्या है कि आपका पर्टिकुलर पैरेलली एक साइड एप्लीकेशन चलती रहेगी, दूसरी साइड सिलेक्शन होते रहेंगे, तो इसीलिए
यहाँ आप अप्लाई कर दे, बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। दोस्तों इन्होंने साफ साफ बोल दिया है ITI ATP AOS एक्सप्लोसिव इन प्रोडक्शन फंक्शन। याद रखिए मैं आपको बताऊँ, एक्सपीरियंस बिल्कुल 0 to 3 years, मतलब इसमें कौन कौन एलिजिबल है, ITI वाले और डिप्लोमा वाले, बिल्कुल फ्रेशर मतलब 0 to 3 years, 0 to 3 years एक्सपीरियंस है आपके पास, डिप्लोमा और ITI की कोई सी भी ब्रांच हो आप यहाँ एलिजिबल हैं। कौन कौन सी वैकेंसी पे, जैसे कि एसोसिएट ऑफिशियर की कोई सी भी वैकेंसी पे। नेक्स्ट आपके पास आ रही है टेक्नीशियन ट्रेनी के लिए। नेक्स्ट टेक्नीशियन ट्रेनी आप देखने जा रहे हैं, टेक्नीशियन ट्रेनी में आपको दिखेगा यहाँ भी आपसे बिल्कुल फ्रेशर्स की डिमांड की गई है। फ्रेशर मतलब आपके पास कुछ भी एक्सपीरियंस ना हो, ये सभी एलिजिबल हैं। तो आप यहाँ ज़रूर देख लीजिएगा, कोई भी प्रॉब्लम होती है आई एम ऑलवेज विद यू। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो वैकेंसी है एसोसिएट ऑफिसर, फिर फ्रेशर के लिए आ गए। अब एक वैकेंसी आपको नज़र आ रहा होगा, पावर प्लांट सीनियर इंजीनियर। जब सीनियर का नाम आ गया तो यहाँ एक्सपीरियंस वालों की ही डिमांड होगी। तो अब एसोसिएट ऑफिसर में, टीम मेंबर प्रोडक्शन में मांगा गया है। प्रोडक्शन में इन्होंने क्या मांगा गया है जी, आपके पास इन्होंने एसेंशियल क्वालिफिकेशन, दोस्तों इन्होंने बोला है कि स्ट्रॉन्ग प्रोफेंसी ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑफ इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। इंजीनियरिंग प्रिंसिपल तो आप पे सभी पे आते हैं, इसके साथ साथ टीम लीडर होना चाहिए, प्लानिंग आनी चाहिए, इसके साथ साथ उस पे सैप पे वर्क करना आना चाहिए। आज के टाइम में जिस पे सैप पे वर्क करना नहीं आता है वो थोड़ा सीख ले, क्योंकि आज के टाइम में कहीं भी आप जाएंगे तो आपको सैप ज़रूरी ही ज़रूरी होगा। तो इसलिए आप जो है सैप पे वर्क ज़रूर करना सीखें, और सैप पे अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप मेरे को पूछ सकते हैं या मैं आपको बता भी सकता हूँ डिसीजन मेकिंग। और ये इसके साथ एक्सपीरियंस की तरह 3 to 5 years का इसमें एक्सपीरियंस मांगा है। टीम मेंबर एसोसिएट टेक्निकल मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर, एसोसिएट साइंटिस्ट, टीम मेंबर जूनियर इंजीनियर मेंटेनेंस में इन्होंने बोला है। कब निकली थी जी, 12/22 को निकली थी, इसकी लास्ट डेट अभी 10 दिन बाद ही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी इन्होंने बोला है मैकेनिकल वाले 3 to 6 years। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी वैकेंसी जो यहाँ निकली हुई है आप इसको ज़रूर देख सकते हैं, ज़रूर अप्लाई करें। असिस्टेंट इंजीनियर पावर प्लांट सेक्शन, पावर प्लांट में इन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि आपके पास, देखिए इन्होंने डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके साथ साथ असिस्टेंट इंजीनियर पावर प्लांट, तो सभी को इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस ना मांग के बिल्कुल ही अप्लाई करने के लिए बोला है। बात कर लेते हैं अप्लाई की, तो आपको नीचे ही यहीं अप्लाई का ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे ही आप इसको अप्लाई करने जाओगे तो यहाँ आपसे आपकी मेल ID की डिमांड होगी। जैसे ही आप वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल के आगे आएंगे तो आपसे यहाँ आपका डिटेल पूरा डिटेल में पूछा जाएगा, ये पूरा सबमिट कर दीजिएगा। देखिए मेन क्या है कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा और तभी आंसर दीजिएगा। हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कहाँ सुना, तो इसमें लिख दीजिएगा कि आपने आर्टिकल पढ़ा है। इनके कैरियर्स लिख दीजिएगा CAREERS। हाउ सून यू कैन इफ सेलेक्टेड, एज सून एज पॉसिबल, या फिर जो कम से कम हो लेस देन 30 days। आर यू फॉर ओपन फॉर रिलोकेशन, ये जरूर येस कीजिएगा, अदरवाइज आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने कभी TCL का इंटरव्यू दिया तो इसको नो ही कीजिएगा। आर यू फैमिली मेम्बर, इसको भी नो ही कीजिएगा। रीजन फॉर अप्लाइंग, तो कैरियर ग्रोथ लिख दीजिएगा, इसके साथ साथ लेंथ ऑफ सर्विस एट योर करंट कंपनी, तो यहाँ फ्रेशर मैंसन कर दीजिएगा, लेस देन 12 months कर दीजिएगा। करंट और करंट कंपनसेशन होता है CTC, तो कंपनसेशन उनके लिए है जो एक्सपीरियंस वाले हैं। तो आप इसको स्टार मार्क है तो यहाँ 0 भी लिख दीजिएगा, और परसेंटेज में आपको जो करना है, परसेंटेज में आपकी क्या एक्सपेक्टेड सैलरी यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, जो भी आपकी है एक्सपीरियंस एक साइड एक्सपीरियंस। और ये देखिए दो पॉइंट आए, ये पॉइंट क्या आए, ड्रॉप योर रिज्यूम वाले यहाँ डाल दें और कवर लेटर यहाँ डालें। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, दैट मीन्स कवर लेटर। सो दैट्स वाई आप जो है कवर लेटर यहाँ पोस्ट कर दें। तो कवर लेटर आपको मैंने एक छोटा सा फॉर्मेट बना के अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया है, जाके एक बार देख ले टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डायरेक्टली कवर लेटर का भी मिल जाएगा। तो ये थी आपके लिए बहुत ही अच्छी अपडेट, जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है याद से अप्लाई कर दे। एनी ग्रेजुएट वाले भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, आज ही अप्लाई करें, जल्दी से जल्दी अप्लाई करें। कोई भी क्वेरी होती है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।